ऑलराइट, तो आज हम बड़े कॉलेज की बात करने जा रहे हैं, अपने फेवरेट कोर्स की बात करने जा रहे हैं। यार इस पे तो अभी से लाइक बनता है, लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। तो फैक्ट्स अबाउट आईपीएम आईएम इंदौर, तो सबसे पहली बात, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है मैनेजमेंट में, आप सभी को पता है। इसमें बीए फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्लस एमबीए मिलता है आपको। तो आप पहले ही, आपका मूड थोड़ा सा खराब हो गया होगा, आप सोच रहे होंगे बीए, इतना सारा पैसा हम देंगे, इतनी मेहनत करेंगे और हमें बीए की डिग्री मिलेगी। तो ये कोई रैंडम कॉलेज का बीए नहीं है, ये आई एम इंदौर का बीए है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बीए देता है। तो इट डजेंट मैटर कि कौन सी डिग्री कर रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज द वैल्यू एंड द लर्निंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कॉलेज। तो ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, 11th बैच विल बी इंडक्टेड इन 2021 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो 6 बैचेस हैव सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड, इनटेक इसका 1300 स्टूडेंट्स का है। और इन स्टूडेंट्स की हम बात करें जो ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ से, तो लिंक्डइन पे आप खुद ही देख सकते हैं कि वो किस किस लेवल पे हैं आज। और एंट्रेंस आपको पता ही है, आईपी मैट इंदौर से आप इसमें जा सकते हैं। तो अब कोर्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, पिलर्स ऑफ आईपीएम के बारे में बात करते हैं। तो पिलर्स ऑफ आईपीएम क्या है? तो आईपीएम जो है यार, ये बेसिकली फोकस करता है स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पे। ये आपको स्टेटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट बनाना चाहता है, आपको मैथमेटिकल नॉलेज देना चाहता है, बट आपको सोशल साइंसेस भी पढ़ाई जाती हैं। क्यों पढ़ाई जाती हैं? ताकि आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आपको एक ऑलराउंड नॉलेज मिले, क्योंकि मैनेजर का काम ही होता है एक ऑलराउंडर होना। तो कोर्सेज पे अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कोर्सेज आपको दिए जाते हैं बीए में पहले 3 सालों के लिए। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके कोर्सेज होते हैं आपके पास। आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में, बिजनेस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी में, बिजनेस हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो बहुत लोगों को ये अभी से बोरिंग लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ व्यूज मिलते हैं, आपको कुछ नया परसेप्शन मिलता है, आप अलग तरह से सोचना स्टार्ट करते हैं जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो हाँ, आपको ये अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपको इसमें करियर बनाने का भी मन कर जाए। अब बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। फाउंडेशन कोर्सेज इन मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, गेम थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपको लग रहा होगा ये तो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट ये अलग कोर्सेज में आपको सेपरेटली पढ़ाया जाता है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है आपके पास यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी नॉलेज दी जाती है। इन सभी टर्म्स को आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। फिर आपके आते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, आपको लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएंगी यहाँ पे, आप इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश और जर्मन जैसी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश आपको आती होगी। देखिए, अगर आपको किसी कंट्री की लैंग्वेज आती है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। पर्सनली मैं आईपीएम रोहतक की बात करूं तो मुझे ये काफ़ी पसंद आए थे, इनके असाइनमेंट्स काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, इनका एवेल्यूएशन भी बहुत अच्छा हुआ था। और लास्ट में आपके पास है डांस, म्यूजिक और ड्रामा में एक चॉइस। जी हाँ, ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक कोर्स होता है जिसमें आपको इन तीनों में से एक लेना पड़ता है। तो यार ये एक बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को एक नया आर्ट फॉर्म सीखने को मिलता है, वो भी मैंडेटरी कोर्स के थ्रू। हम एमबीए पे बात नहीं करेंगे क्योंकि एमबीए का करिकुलम हर कॉलेज में समवॉट सेम होता है, इसलिए हम एमबीए को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में एक सोशल इंटर्नशिप भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ मॉरल वैल्यू सीखने को मिलेंगी, आपको ग्रास रूट लेवल पे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे एनजीओज उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप थोड़ा मन लगा के कीजिएगा, एंड ट्रस्ट मी, कॉर्पोरेट्स भी वैल्यू करती हैं आपकी सोशल इंटर्नशिप को।
फोर्थ ईयर में आपको बिजनेस इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर एमबीए कॉलेज में होती है, समर प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। इसमें बहुत अच्छे स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं, आई एम इंदौर में बहुत अच्छे स्टाइपेंड्स मिलते हैं आपको समर प्लेसमेंट में, तो ये आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की, तो थर्ड ईयर में आपको एक सेमेस्टर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में करने का मौका मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, जो कि बाकी किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया में कम ही होती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको बाहर जाके पढ़ने को मिल रहा है तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर मिलता है। एंड आई एम इंदौर का कोलैबोरेशन बहुत अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, उसका एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे 5 साल एक कॉलेज में नहीं रहना है और मुझे 3 साल बाद लीव करना है, हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आई एम इंदौर का कैंपस और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप 3 साल के बाद 2 साल का सबैटिकल ले सकते हैं एंड आप जॉब कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस की काफ़ी वैल्यू होती है एंड एमबीए के प्लेसमेंट्स में वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो आप वर्क एक्सपीरियंस अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने एमबीए में कंटिन्यू कर सकते हैं। और बात रही अगर आपको बाहर जाना है तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हायर एम्स में जाना है तो आप कैट दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास आई एम इंदौर का बीए फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट होगा तो उसकी एक अलग ही चौड़ होगी, फिर आप किसी भी आई एम के इंटरव्यू में बैठ जाएं, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड ये हुआ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम एबीसी यानी अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता जा चुके हैं आई एम इंदौर को लीव करके, जो कि अच्छी बात है, हर आदमी को ग्रो करने का सोचना चाहिए। तो अब बात करते हैं फीस एंड एकोमोडेशन की, तो भाई साहब यहाँ पे 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको बीए करने के, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट मैं और भी बता दूं, इसके साथ आपके एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे, आपको मेस फीस देनी पड़ेगी, आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी देने पड़ेंगे, तो आपकी फीस अराउंड 4.5 लाख पड़ेगी, जो कि बीए के हिसाब से, फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट के बीए के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी देखना होगा कि ये कोई ऐरा गैरा इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, ये आपको आई एम इंदौर दे रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में। यहाँ पे NRIs को फीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 लाख फीस है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। तो यार अब बात करते हैं MBA की फीस की, MBA की फीस भी बहुत ज़्यादा है, 17 लाख फीस है करेंटली, बट आपको वही फीस देनी पड़ेगी जो कि उस टाइम पे होगी, यानी कि जो PGP के स्टूडेंट्स उस टाइम पे दे रहे होंगे वही फीस आपको देनी पड़ेगी, तो ये फीस बढ़ भी सकती है। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे लोन मिल सकता है आपके आई एम इंदौर के टैग से। उसके लिए आपको सिर्फ अपना ऑफर लेटर भेजना होगा और बैंक आपको घर बैठे बैठे तुरंत लोन इशू करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कॉलेज को मत छोड़िएगा, आपको लोन मिल ही जाएगा यहाँ पे, और इतना भी मुश्किल नहीं है लोन लेना। एंड ट्रस्ट मी, लोन लेंगे भी आप तो आराम से उतार भी सकते हैं। यहाँ पे एक और फैसिलिटी है NBFA करके, आपकी पेरेंटल इनकम जितनी भी है उसके हिसाब से आपकी फीस कम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम तभी होगी जब आपकी एनुअल इनकम कम होगी, पेरेंटल एनुअल इनकम कम होगी। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन की, तो पहले 3 साल में तो आपको शेयरिंग बेसिस पे ही रहना पड़ेगा, एंड लास्ट के 2 साल में MBA में आपको एक सेपरेट रूम मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतनी सारी फीस देने के बाद आपको लग सकता है कि शेयरिंग बेसिस पे क्यों रह रहे हैं हम, बट ट्रस्ट मी, अगर आप आई एम इंदौर की बात करें तो वहाँ पे आपके पीयर्स अच्छे होंगे, तो आपको रूममेट्स अच्छे ही मिलेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 65% वेटेज दिया जा रहा है IPMAT को इस साल के लिए, एंड 35% पर्सनल असेसमेंट को। यहाँ पे बोर्ड मार्क्स को डायरेक्टली काउंट में नहीं लिया जा रहा है, बट आई थिंक अगर पर्सनल असेसमेंट को 35% दे रहे हैं तो ये लोग डेफिनेटली बोर्ड के मार्क्स कहीं ना कहीं कंसिडर कर लेंगे। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन उतना ही है जितना हर जगह होता है, नियरली 50% आपका कास्ट बेस्ड और 10% EWS रिजर्वेशन है यहाँ पे। सीट्स 53 हैं जनरल में, 41 NCOBC, 23 SC, 11 ST एंड 15 फॉर EWS।
मैं जानता हूँ आप परेशान हो गए होंगे कि जनरल में केवल 53 सीट्स हैं, तो क्या आपको ऑल इंडिया रैंक 53 लानी पड़ेगी? नहीं, थोड़ा सा आपकी वेट लिस्ट मूवमेंट होती है, ऑल इंडिया रैंक 80 के अराउंड तक आपको एडमिशन मिल जाता है। इसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे हायर कॉलेजेस में चले जाते हैं, टॉप IITs की टॉप ब्रांचेस में चले जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने चले जाते हैं। क्लब कमिटीज़ और फन एक्टिविटीज़, इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे यार सारी फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में, और एक्टिविटीज़ वगैरह सब होती हैं यहाँ पे। यहाँ के दो फेस्ट्स बहुत अच्छे हैं, अथर्व और रंगभूमि। ट्रस्ट मी, ये दोनों सेंट्रल इंडिया के बेस्ट फेस्ट्स हैं। तो प्लीज़ आप भी इन दोनों फेस्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा, इनके सर्टिफिकेट्स की भी अलग वैल्यू होगी और आपको मज़ा भी आएगा। और आप इनमें से किसी भी कमेटी को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जिस वजह से आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा ही पूरा IPM का डेटा दिया है, मैंने PGP का डेटा नहीं दिया है। और अगर हम बात करें 2016 की, जब पहला बैच था जिसमें कंपटीशन भी नेग्लिजिबल था, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट अभी आज के कंपैरिजन में बहुत कम कंपटीशन था। बट आप देख सकते हैं, लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, कॉर्पोरेट्स एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। पहले ही साल का एवरेज पैकेज 12 लाख था, जो कि बहुत अच्छा था 2016 के लिए। एंड ट्रस्ट मी, टॉप IITs का भी इतना ही एवरेज पैकेज था, फ्रेशर्स के लिए इतना पैकेज बहुत अच्छा है। एंड 30 लाख हाईएस्ट सैलरी थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर हम 2021 की बात करें, तो यार 23.6 लाख एवरेज सैलरी है, 41.5 लाख हाईएस्ट सैलरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड PGP का भी इतना ही एवरेज है। एंड आप देख सकते हैं कि IPM के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है, एंड हर साल एवरेज सैलरी बढ़ रही है, इवन इन पेंडेमिक ये बड़ी है। अगर आपको एज अ फ्रेशर इंडिया में बेस्ट पैकेज उठाना है, तो आप IIM इंदौर डेफिनेटली आँख बंद करके चले जाइए, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है। इवन टॉप IITs की टॉप ब्रांचेस पे जो पैकेजेस CS के अच्छे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उतने पैकेजेस यहाँ पे एवरेज हैं। तो अब तो आप सातवें आसमान पे होंगे कि इतने बढ़िया पैकेजेस हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेट की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.5% एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि 100 में से आधा स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 100 में से आधा स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होता है, या फिर सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इस साल अराउंड 32K लोगों ने अप्लाई किया, एंड सिलेक्ट होंगे केवल 150 स्टूडेंट्स। तो अब आप थोड़ा सा निराश हो गए होंगे, आप परेशान हो गए होंगे, हम फिर से आपको खुश कर देते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट्स पे। तो IIM इंदौर वन ऑफ द ओल्ड IIMs है, इसकी NIRF रैंकिंग 7th है। बहुत लोग मानते हैं कि इसकी NIRF रैंकिंग सही नहीं है और ये 4th पे है इंडिया में, बट सच ये है कि लखनऊ, कोझीकोड और इंदौर, ये तीनों के तीनों कॉलेजेस एक ही जैसे हैं। डजेंट इवन मैटर कि आप PGP कहाँ से कर रहे हैं, इन सब का प्लेसमेंट भी एक ही जैसा है, तो आप इनमें से कहीं भी जा सकते हैं। एंड इवन अगर आप अहमदाबाद, बेंगलोर और कोलकाता में मीडियोकर हैं, टॉप 50% ऑफ द बैच में हैं, और यहाँ पे आप टॉप 25% में हैं, तो आपका प्लेसमेंट एकदम सिमिलर ही होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनीज लगभग सेम ही आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसका कोलैबोरेशन वर्ल्ड की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। ये ट्रिपल क्राउन अक्रेडिटेड है, दुनिया में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के पास ये अक्रेडिटेशन है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ एसोसिएशंस होती हैं जैसे कि AMBA, जो कि ऐसे अक्रेडिटेशन देती हैं। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। ये सभी IPM कॉलेजेस में बेस्ट IPM कॉलेज है। करेंटली 9 कॉलेजेस जो IPM ऑफर करते हैं, उनमें से 5 IIMs हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे। नालसार हैदराबाद, जो कि एक लॉ यूनिवर्सिटी है, निर्मा, IIIT इलाहाबाद और मणिपाल, इन सभी पे हम वीडियोस बनाएंगे अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो। तो यार फाइनल कंक्लूजन यही है कि IPM की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इसका मेनली ये रीज़न है कि वो इंजीनियर्स से सैचुरेटेड है, और वो चाह रहे हैं कि नॉन इंजीनियर्स भी आए, ताकि उन्हें वाइडर पर्सपेक्टिव्स मिलें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।